हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोबिज इंडस्ट्री के दो इंतहाई खूबसूरत अदाकारों के बारे में, सज्जल अली और बिलाल अब्बास। ये दोनों अदाकार जब भी एक साथ स्क्रीन पर नज़र आते हैं तो लोग इनके दीवाने हो जाते हैं, और ये दोनों जिस भी प्रोजेक्ट में नज़र आते हैं वो प्रोजेक्ट हमेशा शानदार कामयाबी हासिल करता है। पिछले एक साल से सज्जल अली और बिलाल अब्बास एक साथ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दोनों के काफ़ी ज़्यादा शूट्स हो रहे हैं और दोनों एक साथ एक ड्रामा और एक फिल्म भी कर चुके हैं, तो लोगों को देखने में यही लगता है कि इन दोनों के दरमियान ज़रूर कुछ चल रहा है। और सज्जल की तलाक की वजह भी बिलाल अब्बास ही हैं, लेकिन सज्जल अली का कहना है कि वो और बिलाल अब्बास आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं इस कपल के बारे में, जो कि एक ऑन स्क्रीन कपल है। ये दोबारा हमें स्क्रीन पर वापस नज़र आने वाला है। दोस्तों, ARY डिजिटल का न्यू ड्रामा सीरियल जिसका टाइटल कश्फ है, ये साल का सबसे बड़ा ड्रामा होने वाला है। और इस ड्रामे की मेन कास्ट में हमें सज्जल अली और बिलाल अब्बास एक साथ दोबारा नज़र आएंगे। ये लास्ट टाइम दोनों खेल खेल फिल्म में नज़र आए थे, उसके बाद अब ये इस ड्रामे में नज़र आने वाले हैं। इस ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर नदीम बेग, जो इससे पहले कमाल का ड्रामा मेरे पास तुम हो, दिल लगी और इसके बाद वो कमाल की मूवीज़ भी डायरेक्ट कर चुके हैं। ड्रामे का वर्किंग टाइटल कश्फ है, लिहाजा ड्रामे का नाम चेंज भी हो सकता है, लेकिन कास्ट लॉक हो चुकी है कि सज्जल अली और बिलाल अब्बास एक साथ दिखाई देने वाले हैं। ड्रामे की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये ड्रामा बहुत जल्द ARY डिजिटल पर नज़र आएगा। इस ड्रामे की मजीद कास्ट में दना नीर का नाम भी सुनने में आ रहा है। ड्रामे की स्टोरी एक लव ट्राइंगल है जिसमें दो लड़कियाँ और एक लड़का होगा। लड़का बिलाल अब्बास फाइनल हो चुका है और साथ में हीरोइन सज्जल अली फाइनल हो चुकी हैं। उसके साथ तीसरी लड़की के ऑप्शन के तौर पर हानिया आमिर और आयशा उमर को कंसीडर किया जा रहा है। देखिए इन दोनों अदाकारों में से कौन सी अदाकारा ड्रामे में आती हैं, आपका क्या कहना है, आप किस एक्ट्रेस को इनके साथ देखना चाहते हैं, अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।